A ladder is against a vertical wall at an inclination of alpha to the horizontal. अब एक लैडर है वो वर्टिकल वॉल के साथ खड़ी है, किस एंगल पे? अल्फा पे. ये आपका पहला, ये आपकी लैडर हो गई. ए बी सी, ए सी बी द लेंथ ऑफ लैडर. ओके, अब वो कहता है इफ इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी. यानी ये है, अब ये पी डिस्टेंस पे इसको हमने परे कर दिया, ये ऐसे अब इसे और पीछे कर दिया, तो इसकी अपर एंड साइड जो है डिस्टेंस क्यू डाउन फ्रॉम द वॉल, ये यहां से क्यू डिस्टेंस पे आ जाएगी. ओके, ये क्यू डिस्टेंस पे आ जाएगी, इसको मैं ले रही हूं डी सी. तो देखिए ए सी और ये तो आ गया क्यू डिस्टेंस, ये है आपका, ये डी ई ले लेते हैं इसे, और डी ई दोनों लैडर की लेंथ है, ये दोनों सेम होगी. अब वो कह रहा है आपको जो रिलेशन शो करना है वो पी अपॉन क्यू, ये पूरा आपका पी, ये पूरा आपका क्यू इज इक्वल टू, ये आपको रिलेशन शो करना है. हमें पी बाय क्यू निकालना है. यहां से ये पी देखिए, राइट, जो ये पी है वो है हमारा बी डी माइनस बी ए. ओके, यानी कि बी डी जो है हम उसकी वैल्यू निकाल लें और ए बी की निकाल लें, यानी वाई की, ये ट्राइंगल में. इसको मैं अगर हम लेंगे, अब ये आ रहा है हमारा बी डी इस ट्राइंगल में पूरा आ रहा है, इस ट्राइंगल में पूरा आ रहा है बी डी, तो हम लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी ई, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस, ये वाला एंगल आपका बीटा है, कॉस बीटा. तो बी डी आया हमारा डी ई कॉस बीटा. अब आइए ए बी, ए बी में ये ट्राइंगल पूरा बन रहा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस अल्फा. तो ये आया हमारे पास ए सी कॉस अल्फा. अब लेट जो लैदर की लेंथ है मैं उसको दोनों को डी ई इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू जेड ले लेती हूं. तो यहां से ये कॉमन चला गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आ गया. देखिए पी की वैल्यू निकल आई, सेम ऐसे हम यहां क्यू की निकालेंगे. क्यू हमारा क्या है? बी सी. देखिए अब ऐसे जैसे हमने इसमें किया था बी सी और बी ई, बी सी ये आ रहा है तो हम ये ट्राइंगल लेंगे आपका ए बी सी, उसमें ये रही रिलेशन, तो बी सी आ गया ए सी साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नेक्स्ट बी ई है, वो बी ई इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये पूरा हो गया आपका ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें जब हम लेंगे तो हमारे पास बी सी बी ई आएगा डी ई साइन बीटा. अब वही ये दोनों जेड है कॉमन, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा. अब आपको क्या निकालना है? P बाय क्यू, आप यहां से ही चले जाओ P बाय क्यू, जेड से डेड कैंसिल हो गया, आ गया आपका रिजल्ट कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन